यहाँ पर खुलेआम नकल करने का पूरा ठेका ले लिया जाता है और ना तो किसी शिक्षक को नकल होते दिखाई देती है और ना ही वहाँ पर आए अधिकारियों को। मामला नईगढ़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भीर का है, जिसे परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी खुलेआम कुंजी और गाइड लेकर नकल करते हैं और शिक्षक भी उनका खूब सहयोग करते हैं। जब हमारे रिपोर्टर प्रियेश पांडे को खुलेआम नकल होने की सूचना मिली तो वो वहां पहुंच गए और परीक्षा केंद्र भीड़ में नकल करने वाले लोगों की बाजार लगी हुई थी। लोग खिड़कियों से चुटका पहुंचने में लगे थे। हमारे रिपोर्टर ने परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र अध्यक्ष राम सहोदर साकेत से बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नकल हो रही थी। जब पता चला तो बंद करवाने का प्रयास किया गया। सवाल यहां पर लेकिन ये उठता है कि परीक्षा केंद्र में अगर इसी तरह से नकल हो रही है तो निश्चय ही केंद्र अध्यक्ष और प्रभारी प्राचार्य के सहयोग से हो रही होगी। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जहाँ सिस्टम में बैठे अधिकारी ही ऐसे कृत करेंगे। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका और आप किस पद पर हैं? हमारा अपना नाम राम सहोदर साकेत, यहाँ हम केंद्र अध्यक्ष पद पर हैं। कौन सी स्कूल है ये? ये भीर है, हायर सेकेंडरी स्कूल भीर, या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर, ये विद्यालय है। ये जो परीक्षाएं यहाँ पे हो रही हैं इस कोरोना के दौर में, सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई? सोशल स्टडी का पूरा नियमित पालन किया जा रहा है। छात्रों को स्क्रीनिंग कराई गई, थर्मल स्क्रीनिंग, इसके बाद वो क्या सैनिटाइजर कराया गया। आज जो यहाँ पे परीक्षा आयोजित हुई इसमें कोई पैनल और जांच टीम आई थी? जी, विकास शिक्षा अधिकारी आए थे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरी टीम जब से आई है यहाँ पे धड़ल्ले से नकल चल रही है। चुटका यहाँ पर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, मेरे पास पूरे वीडियोज हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं तो उसके संबंध में हम तो गए हैं मतलब घूमने। आपने उसे रोकने का प्रयास किया? किया है, प्रवेक्षकों को कह रहे हैं। अच्छा, तो आपने जब रोकने का प्रयास किया तो नकल रुक गई थी? हाँ, रुक गई थी। अच्छा, तो जब आपको कब पता चला कि नकल हो रही है? भाई, नकल प्रकरण हम मतलब जब भ्रमण में निकले हैं तभी आपको पता चला कि यहाँ नकल हो रही? तभी नहीं, हम पूरन तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि मतलब नकल करते हैं। नकल करते हैं, तो आपने उसे रोकने का प्रयास किस स्तर से किया? उसको रोके, पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक को गाइडलाइन कर रहे हैं कि बच्चों को पास नहीं होना चाहिए, नहीं फॉर्म भरा लिया। अच्छा, जो ये चुटका अंदर आ गए थे ये बच्चे साथ में लेके आए थे या फिर बाहर से आ गया था? ये तो हमको नहीं मालूम है सर कि हम कहाँ से ले आए हैं, कहाँ से नहीं ले आए हैं।